गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक सेल। जैसा कि सेल के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी डिवाइस जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको सेल कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल सॉरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखिए क्या डिफिनेशन लिखा है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच मेंटेन ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मेटल विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। दे आर इमर्स इन अ लिक्विड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एन इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसमें एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब हम किसी भी एक कुछ प्रॉपर्टी है इसमें एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक है टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप कह सकते हैं कि किसी सेल के द्वारा जो वर्क डन होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को पहुंचाने में, वह कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए क्या है, द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक सेल इन फोर्सिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू होल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको शॉर्ट में ईएमएफ ऑफ सेल कहा जाता है। तो इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ये dW बाई dQ SI यूनिट जूल पर कूलम या बोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड में होता है। तो ये भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सेल के इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए क्या डिफिनेशन है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है कि सेल के बाहर जो कंडक्टर में पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। अब इसके बाद ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है, देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया कि यहाँ पर ईएमएफ शो किया गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसको बात है, सेल का एक्चुअल सिंबल है। इसको सर्किट में जोड़ा गया, वोल्ट मीटर लगाया गया, एमीटर लगाया गया की, और ये आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रिक सेल ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल ई एंड स्मॉल आर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन ए सर्किट एज शोन इन फिगर। तो ईएमएफ की डिफिनीशन आप जानते हैं, ई इज इक्वल टू dW बाय dQ। तो यहाँ से dW की वैल्यू निकालेंगे ई इंटू dQ। करंट फार्मूला होता है I इज इक्वल टू dQ बाई dt, तो वहाँ से dQ निकालोगे तो iDT आएगा। तो यहाँ पर रख दिया गया dW इज इक्वल टू eIDT, कहने का मतलब सेल के द्वारा टोटल वर्क कितना किया जाएगा। अब सेल के अंदर कितना किया गया, सेल के अंदर कितना वर्क हुआ, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो वहाँ से चार्ज को बाहर निकालने के लिए भी वर्क होता है और बाहर कंडक्टर में, तो दोनों वर्क निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल वर्क निकाला जाएगा। तो एक्सटर्नल जो निकालेंगे vdq, तो वी जो dQ की वैल्यू फिर यहाँ पे iDT रख दिया जाएगा, तो ये W एक्सटर्नल हो गया। इतना इंटरनल के लिए vidT सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पर वी की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा IR, तो ये आ गया I² RdT। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं कि सेल के द्वारा जितना वर्क होगा इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क के सम के बराबर होगा। वैल्यू इसमें दोनों में रख दिया जाएगा, राइट साइड में IDT कॉमन कर लिया जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये नेट रिलेशन आ गया ई इज इक्वल टू वी प्लस IR, या वी इज इक्वल टू ई माइनस IR, उसको इधर कर देंगे।
अब इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला चाहिए, तो इसी में से वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आर, सॉरी ई माइनस वी बाई आई, आई इज इक्वल टू वी बाई आर रख देंगे, तो स्मॉल आर जो आ जाएगा कैपिटल आर ब्रैकेट में ई बाई वी माइनस वन। यदि आपको करंट के लिए निकालना है तो इसी फार्मूले से यूज करके निकाल लेंगे, और तो आपको यहाँ देखिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, आई आर हो गया, फिर ई माइनस आई, आई वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे, तो ये I इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन R प्लस R। गुड, ओके, थैंक यू।